ओम शांति। आज 19 मई 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना सीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं, तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं, हमको शांति चाहिए, दुख हरो, सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वो तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वो है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का बाप है, परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है, वो निराकार बाप है, वो भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है, गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वो है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आई हो वर्षा लेने। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है, कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। वही कल्याणकारी बाप है, गाते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ, मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है, ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी, तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। बाप से सुख का वर्षा लेने, तुम बच्चों को ही सुख था जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है तुम नर्कवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है, हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी, नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पति दुनिया है, कितने दुखी कंगाल है। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यह बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रसम रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता, समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना और कोई रास्ता नहीं है, भगवान को पुकारते ही हैं आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है,
कहां की कहां चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी एक सेकेंड में, बाकी उड़कर अपने घर वापिस जाए ये नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है, बाकी वो पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा, इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है, 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया 100 फिर पुरानी होती है। द्वापर कलियुग को पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता, वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, इनके ऊपर तरस किया गया है तब मनुष्य देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है भिखारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर, इसलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं, आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा, मेरी आत्मा शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ, आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नर्कवासी बने। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं, यह तो नर्क है। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, फिर नर्क में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अब यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो, तुम कहेंगे हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परमधाम में रहता हूँ। नर्कवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो, यह है ही दुख धाम। इनका अब विनाश होना है। यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वो समझते हैं कि कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, कृष्ण को भगवान कह ना सके। वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है, वह सुप्रीम आत्मा परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर का वर्षा लेते हैं।
पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, तुमको पावन बनाता हूं। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करे, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। शतो प्रधान से तव प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में यह आदत पड़ी हुई है तो अक्सर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते हैं, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी बरसा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है, जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वसूल देवी देवता धर्म वाले हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। यह भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि विकारी है। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से बरसा लेना है तो बाप को याद करना है। कर्म कार डे दिल याद डे, तुम आशिक हो एक मासूक के। सबका सदगति दाता एक मासूक है। वो आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर की स्थापना होती है, दो का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो, बेहद के बाप से स्वर का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने, और कोई मनुष्य मात्र किसी को स्वर का मालिक बना नहीं सकते। श्री बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य देवता बनना है, पावन बनकर वापिस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा शम्मो की अनुभूति करने वाले विजय रतन भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा शम्मो की अनुभूति करने वाले विजय रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुड़ नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी सीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठूं, तुम ही से शौर्य संबंध निभाओ। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजय रतन बनते हैं। स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। अच्छा, ओम शांति।